हे दोस्तों, एजुकेशन फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएफएम रिपोर्ट के बारे में। तो डीएफएम रिपोर्ट बेसिकली क्या होती है, क्यों इसका इस्तेमाल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? चलिए देखते हैं डीएफएम रिपोर्ट मतलब क्या होता है। डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर डिजाइन इंजीनियर है, किसी प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहा है या फिर किसी टूल को डिजाइन कर रहा है या किसी मोल्ड को डिजाइन कर रहा है, तो उसके लिए उसको एक डीएफएम रिपोर्ट बनानी पड़ेगी कि भाई मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि उस प्रोडक्ट को जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसका मोल्ड बन पाएगा कि नहीं, प्रोडक्ट का जब हम लोग डिजाइन कर रहे हैं तो उसका मोल्ड क्रिएट हो पाएगा कि नहीं। देखो, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट या फिर डीएफएम रिपोर्ट जो होती है वो एक ब्रिज की तरह काम करती है, किसके बीच में, प्रोडक्ट डेवलपर के बीच में और मोल्ड मेकर के बीच में। ओके, तो एक ब्रिज का काम करेगी ताकि समझ सके कि उसका मैन्युफैक्चरिंग में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, फिर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग डीएफएम रिपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी देखता हूँ। जब मैं रिपोर्ट अगर मैं क्रिएट करूंगा या फिर कोई भी एक डिजाइन इंजीनियर किसी रिपोर्ट को, डीएफएम रिपोर्ट को क्रिएट करेगा, तो बेसिकली वो किस चीज के ऊपर फोकस करता है, वो है इजी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इजी होना चाहिए। और अगर वो डीएफएम रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है और डीएफएम रिपोर्ट बना के अगर देगा पहले, राइट, तो उससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है, क्वालिटी इंप्रूव होती है और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो डीएफएम रिपोर्ट का यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। देखो, न्यू प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, कोई नया प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो कोई भी कस्टमर होता है उसके मन में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं कि भाई किस तरह की मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा उसके मोल्ड को क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्लास्टिक का कंपोनेंट है तो वो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा कि नहीं, भाई उसकी कॉस्ट ज्यादा तो नहीं हो जाएगी, कोई रिस्की तो नहीं है ये, और ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग डीएफएम रिपोर्ट को क्रिएट करते हैं, या फिर कोई भी एक डिजाइन इंजीनियर डीएफएम रिपोर्ट को क्रिएट करेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो डीएफएम रिपोर्ट जरूरी है, राइट? डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट क्यों जरूरी है? ठीक है, जैसा मैंने बताया क्यों जरूरी है। देखो भाई, डीएफएम रिपोर्ट क्या होती है, क्यों जरूरी है भाई, उसका क्वेश्चन, इसका आंसर जो है वो ये इस तरह रहेगा, लेकिन इतना सारा आप पढ़ नहीं पाओगे तो कुछ चीजों को मैं हाईलाइट करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपका जो भी प्रोडक्ट डिजाइन है वो प्रोडक्ट डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेटेबल है कि नहीं। अगर आप मोल्ड को डिजाइन कर रहे हो या फिर तो मोल्ड को डिजाइन कर रहे हो किसी प्रोडक्ट के लिए, तो भाई वो जो प्रोडक्ट है वो मोल्ड के लिए फैसिबल है कि नहीं, उस चीज को इंश्योर करने के लिए भी हम लोग डीएफएम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, राइट? उसके बाद है, किसी भी अगर न्यू प्रोडक्ट को के लिए अगर हम लोग मोल्ड क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब मोल्ड जो है वो नया क्रिएट होने जा रहा है, राइट? और या फिर बोल सकते हो कि उसका मोल्ड का टाइप भी कुछ अलग है, उसके अंदर बहुत सारे स्लाइडर या बहुत सारे लिफ्टर लगने की संभावना है, तो भाई उसका मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज बहुत सारे क्रिएट होंगे, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज आएंगे। तो भाई उस मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज को भी फाइंड आउट करने के लिए या फिर उसकी ज्यादा कॉस्ट जनरेट ना हो, इस कारण से भी हम लोग डीएफएम रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम एंड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। भाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जितना ज्यादा टाइम लगेगा, वहां पर उस मोल्ड की कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ने वाली है, या फिर उस प्रोडक्ट की भी कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ेगी, राइट? तो दैट्स व्हाई डीएफएम रिपोर्ट को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एक डिजाइन इंजीनियर के लिए बिफोर द डिजाइनिंग ऑफ दैट मोल्ड, राइट? पॉइंट फॉर डीएफएम रिपोर्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिटेल एग्जामिनेशन होता है किसी भी डीएफएम रिपोर्ट के अंदर प्रोडक्ट डिजाइन का और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। ओके, तो प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोडक्ट डिजाइन मतलब हम लोग डील कर रहे हैं विद द प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक कंपोनेंट के साथ, और मैन्युफैक्चरिंग को प्रोसेस किसके लिए, मोल्ड डिजाइन के लिए, या फिर हम लोग उसके उस प्लास्टिक प्रोडक्ट के लिए मोल्ड को क्रिएट करेंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कुछ पॉइंट्स, राइट? चलिए, तो यहाँ पर ध्यान लगाना जरूरी है आपको। इस ध्यान से ही आपको समझ में आएगा कि भाई डीएफएम रिपोर्ट किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखो, पॉइंट्स ऑफ डीएफएम रिपोर्ट कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया डिटेल एग्जामिनेशन होगा, मैंने आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, प्रोडक्ट डिजाइन का और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का बहुत ज्यादा डिटेल एग्जामिनेशन होगा यहाँ पर। देखो, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमको समझना जरूरी है, और यही पॉइंट जो आप डीएफएम रिपोर्ट में डाल सकते हो अपनी, जब आप खुद की डीएफएम रिपोर्ट क्रिएट करोगे किसी भी प्रोडक्ट के लिए। ठीक, चलिए, तो देखो सबसे पहले देखते हैं पार्ट डिटेल, ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये पूरे पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम पार्ट पार्ट के बारे में देखेंगे। देखो, एग्जांपल जो पार्ट है ना जिसके बारे में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं वो है फैन, ठीक है, जो कि हवा देने के काम आता है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है, राइट? चलिए, तो पार्ट डिटेल, पार्ट डिटेल में क्या आएगा, वो रहेगा पार्ट डायमेंशन,
पार्ट एवरेज वॉल थिकनेस, पार्ट वेट, राइट। सबसे पहले देखते हैं भाई, ये जो पूरे के पूरे पार्ट की डिटेल है वो है पार्ट का स्पेसिफिकेशन, कि पार्ट की लेंथ वेट कितना है, उसका वॉल थिकनेस कितना है, मोटाई कितनी है, उसका वेट कितना है, या मटेरियल क्या है, राइट। तो चलिए, तो इस कंपोनेंट के लिए हम लोग पार्ट का स्पेसिफिकेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पार्ट डायमेंशन की बात करते हैं। तो पार्ट डायमेंशन मतलब हुआ लेंथ, विड्थ एंड द हाइट, ठीक है। पार्ट का एवरेज वॉल थिकनेस क्या हुआ भाई, मैक्सिमम और एवरेज वॉल थिकनेस, ये चीज हमेशा रखना। मैक्सिमम वॉल थिकनेस भी हमको वहां पर बतानी होती है और एवरेज वॉल थिकनेस भी हमको वहां पर बतानी होती है। पार्ट का वेट, पार्ट का वेट जरूरी है ताकि शॉक कैपेसिटी को हम लोग वेरीफाई वेरीफाई कर सके। जो भी मोल्डिंग मशीन के अंदर वो बनने वाला है उसकी शॉक कैपेसिटी को वेरीफाई करने के लिए पार्ट वेट का होना जरूरी है। प्लास्टिक मटेरियल, मटेरियल प्रॉपर्टी के बारे में हमको पता होना चाहिए ताकि हम लोग डिफेक्ट को प्रिडिक्ट कर सकें, ठीक है। श्रिंकेज कंसीडर, श्रिंकेज कितना लेना है डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, जो भी मटेरियल यूज हो रहा है उसके हिसाब से श्रिंकेज हमको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। पार्ट 3D, ठीक है, तो इट शुड बी रेडी भाई, हमारा जो कंपोनेंट है वो स्टेप XT या फिर किसी भी फॉर्मेट में तैयार हमारे पास होना चाहिए, राइट, ठीक है। नंबर ऑफ कैविटीज 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर रिक्वायरमेंट, जो कस्टमर को चाहिए, राइट, ठीक है। उसके देखते हैं कि भाई इस ये जो पार्ट डिटेल के बारे में मैंने आपको बात कराया, तो पार्ट डिटेल के हमारे कंपोनेंट के डायमेंशन क्या है। देखो, हमारे कंपोनेंट के डायमेंशन जो है वो इस तरह से है, एवरेज जो वॉल थिकनेस है 1.67 है, राइट, ओके। और हमारी अगर पार्ट वेट की बात करें तो वो 38.50 ग्राम है ना। मटेरियल जो है वो पीपी है, श्रिंकेज जो है वो 2% लिया है हमने यहाँ पर। पार्ट जो है वो हमको स्टेप में मिला हुआ है भाई, और जो नंबर ऑफ कैविटीज है वो सिंगल कैविटी है, मतलब वन कैविटी है, राइट। चल, अब है सेकेंड पॉइंट जो है डिजाइन फीचर इन प्रोडक्ट। डिजाइन फीचर मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसा फीचर जिसको मोल्ड से निकालने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, मतलब इम्पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर, ये बोल सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो वो डिजाइन फीचर समझना जरूरी। जैसे अब यहां पर देखते हैं, यहाँ पर इस कंपोनेंट के अंदर अगर मैं देखूंगा तो इस कंपोनेंट के अंदर जूम करके देखते हैं तो ये वाला जो रेड वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये रिब और गसेट्स भाई, इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुझे EDM मशीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, ठीक है। तो बेसिकली इस फीचर को मेंशन करना जरूरी है, राइट। इसी तरह से ड्राफ्ट एंगल के बारे में बताना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपको ग्रीन दिख रहा है, मतलब ये ड्रॉ डायरेक्शन में पॉजिटिव ड्राफ्ट है, दिस इज द नेगेटिव ड्राफ्ट, अगर मैंने फैन को उल्टा किया हुआ है तो नेगेटिव और पॉजिटिव ड्राफ्ट जो है वो बताना जरूरी है ताकि पार्टिंग लाइन का हम लोग सिलेक्शन कर सके, राइट। चलो, वॉल थिकनेस है ना, वॉल थिकनेस की भाई वॉल थिकनेस जो होना चाहिए भी किसी कंपोनेंट के लिए नॉमिनल वॉल थिकनेस होना चाहिए। जैसे यहां पर आपको एनालिसिस में दिख रहा है कि येलो पार्ट नजर आ रहा है आपको, इसका मतलब जो इसकी एवरेज कुछ वॉल थिकनेस है वो बिल्कुल सही है, तो वॉल थिकनेस शुड बी यूनिफॉर्म, राइट। ए बी सरफेस विथ पार्टिंग लाइन, अब देखो ए और बी सरफेस क्या हुआ, ये जो दिख रहा है ना ये ए सरफेस है, मतलब दिस इज नथिंग बट कोर या फिर कैविटी, ठीक है। तो अगर बी सरफेस दिख रहा है तो वो कोर हुआ, राइट। तो यहाँ पर ए सरफेस और बी सरफेस ये शो कर रहा है कि भाई हमारा कोर वाला पोर्शन कौन सा होगा और कैविटी वाला पोर्शन कौन सा हो, राइट। तो ये फाइंड आउट करने के लिए ए और बी सरफेस हमको पता नहीं होती है। मोल्ड ड्रॉ डायरेक्शन के बारे में देखते हैं, मोल्ड ड्रॉ डायरेक्शन मतलब कहाँ से मटेरियल का फिक्स्ड हाफ होगा और कहाँ से मटेरियल का मूविंग हाफ होगा, मतलब हमारा जो मोल्ड है वो मोल्ड का फिक्स्ड हाफ और मूविंग हाफ कौन सा होने वाला है। देखो यहाँ पर पार्टिंग लाइन दिख रहा है आपको, राइट, ये तो ये है मोल्ड का ड्रॉ डायरेक्शन, मतलब मोल्ड का आप बोल सकते हो कंपोनेंट जो है होगा वो इस डायरेक्शन से इजेक्ट होने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं टेंटेटिव रनर एंड द गेट पोजिशन, भाई किस तरह का गेट या फिर रनर हमको प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो पिन पॉइंट गेट विथ कोल्ड रनर हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड कराया है, लेकिन ये जो है ना वो डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, तो कस्टमर से डिस्कशन करना जरूरी है इसके बारे में कि भाई पिन पॉइंट गेट या फिर किस तरह का गेट हम लोग वहां पर प्रोवाइड कराएं, बाकी DFM रिपोर्ट के अंदर आप 2 या 3 तरह के गेट को आप वहां पर शो करके कस्टमर को बता सकते हैं, राइट, ओके। इजेक्शन एनालिसिस, इजेक्शन एनालिसिस मतलब कहां पर कंपोनेंट का इजेक्शन होना चाहिए, ठीक है। कंपोनेंट के फ्रेम पे, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये फैन का कंपोनेंट है तो इसके कभी आपने फैन वाले पोर्शन पे कभी इजेक्टर मार्क देखा है क्या, नहीं देखा होगा भाई, राइट। तो इजेक्टर मार्क भी कस्टमर से हमको पूछ के ही देना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं जूम करके देखता हूं तो इजेक्टर मार्क यहाँ पर कहाँ आना चाहिए, रिब और गसेट्स के ऊपर, देखो तो दिस इज द इजेक्टर मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर ये इजेक्टर मार्क रहेंगे, राइट, तो ये कस्टमर को हमको शो करना पड़ेगा, ठीक है। मोल्डिंग डिफेक्ट प्रेडिक्शन, किस तरह के मोल्डिंग डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। देखो सिंक मार्क, वेल लाइन, वॉर पेज या शॉर्ट शॉर्ट, इस तरह के मोल्डिंग डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं।
भाई इसके सॉल्यूशन के बारे में हमको उनको बताना पड़ेगा कि अगर इसके अंदर ये प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, या फिर अगर हो रहे हैं तो डीएफएम रिपोर्ट के अंदर शो करना पड़ेगा, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है कॉन्फिडेंस ऑफ फीलिंग, मटेरियल का फील होना। अगर मटेरियल पूरी तरह से अगर फील नहीं होता ना तो प्रॉब्लम होगी भाई। कस्टमर का अगर मटेरियल फील नहीं हो रहा है, कंपोनेंट फील नहीं हो रहा है, तो डिजाइनर के पसीना आ जाएंगे पूरी तरीके से। तो कंपोनेंट शुड बी फिल्ड प्रॉपरली, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, ठीक है। यहाँ पर इफेक्ट ऑफ डीएफएम रिपोर्ट ऑन प्रोडक्ट कॉस्ट, तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है जो कि ये बता रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ चेंज एंड द कॉस्ट ऑफ चेंज, कि भाई कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है और चेंजेस का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो इनिशियल डिजाइन और प्रोडक्ट का डिजाइन के ऊपर ये चीज डिपेंड करेगा, मतलब बेसिकली ये कॉस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर इनिशियल में अगर आप डीएफएम रिपोर्ट नहीं क्रिएट करते हो तो बहुत ज्यादा रिविजन पे आपका मोल्ड या फिर प्रोडक्ट जाने वाला है, तो वहां पर डीएफएम रिपोर्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। तो डीएफएम रिपोर्ट से कॉस्ट जो रहेगी वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। चलो यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट है जो कि हमारा फैन का कंपोनेंट है, तो इसके लिए हम लोगों ने तीन तरह के एनालिसिस किए हुए हैं, राइट। अगर मैं देखूं सबसे पहले फील एनालिसिस, तो इसके लिए जो फील्ड टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, इसके लिए 0.7 सेकंड का फील्ड टाइम लग रहा है, ये कस्टमर को हमको बताना रहेगा, ठीक है। बाकी तो डिजाइन के बाद भी हम लोग उसको बता सकते हैं। तो इसको फील करके देख लेते हैं एक बार कि कितना टाइम लग रहा है इसको भरने में। 0.7 टाइम टाइम लग रहा है, ठीक है। इसका प्लास्टिक फ्लो का डायरेक्शन किस तरह से रहेगा, कुछ इस तरह से प्लास्टिक का फ्लो इसके अंदर होने वाला है, लाइक दिस, ओके। अब इसका अगर कॉन्फिडेंस ऑफ फिलिंग देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि 100% होना चाहिए, बोल सकते हो हाई परसेंटेज होना चाहिए 100%, तो यहाँ पर पूरा कंपोनेंट ग्रीन नजर आ रहा है, इसका मतलब इसकी फिलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्वालिटी प्रोडक्शन देख लेते हैं, क्वालिटी प्रोडक्शन भी पूरी तरह से हाई बता रहा है, मतलब 93.2% जो रहेगा इसका क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा निकलने वाला है, राइट। इंजेक्शन प्रेशर जो इसका है वो कितना है भाई, इंजेक्शन प्रेशर इसका आ रहा है 15.92, मतलब 16 MPa के आसपास इसका इंजेक्शन प्रेशर है ना, इतना इंजेक्शन प्रेशर का रिक्वायरमेंट है इस कंपोनेंट को पूरी तरह से भरने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं देखूं भाई कौन सा टाइम है जब हम इसको इजेक्ट कर सकते हैं, मतलब 50 सेकंड के बाद अगर आप इसको इजेक्ट करोगे तो कंपोनेंट हमारा पूरी तरह से सही तरीके से बन के तैयार हो जाएगा, राइट। मतलब 50.27 सेकंड के बाद, मतलब दिस इज द कूलिंग टाइम, यू कैन से दैट, ये बोल सकते हो कि यही कूलिंग टाइम है, ठीक है। अब बात करते हैं डिफेक्ट के बारे में, क्या इसके अंदर एयर ट्रैप्ड हो सकती है क्या, हाँ पॉसिबिलिटी है, कहीं पर जहां पर वॉल थिकनेस ज्यादा है वहां पर पॉसिबिलिटी है कि एयर ट्रैप्ड हो सकती है, लेकिन बहुत माइन्यूट वे में। वो यहाँ पर अगर देखोगे ध्यान से तो भाई यहाँ पर वेल्ड लाइन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, जो कि बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे, राइट। यहाँ पर आप सिंक मार्क भी देखता हूं मैं कि यहाँ पर सिंक मार्क बन सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। जहां पर रिब और गसेट्स वाला पोर्शन आपको दिख रहा है वहां पर थोड़ा थोड़ा सिंक मार्क आपको नजर आएगा, मतलब मैक्स अगर मैं बताऊं तो 0.04, मतलब 40 माइक्रोन तक का आपको सिंक मार्क नजर आएगा, जो कि बहुत ही माइन्यूट है, ठीक है, दिखेगा लेकिन बहुत ही माइन्यूट है, आपको नजर भी नहीं आएगा, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस प्रोडक्ट में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, राइट, तो बहुत ही कम सिंक मार्क नजर आने वाला है, ठीक है। अब कूलिंग क्वालिटी अगर देखेंगे तो कूलिंग की क्वालिटी भी 94% है, मतलब कूलिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। कूलिंग टाइम जो रहेगा वो जनरली 35 सेकंड का है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इजेक्शन जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना है 50, कि मतलब कंपोनेंट को इजेक्ट कर 50 सेकंड में ही करना है, बाकी कूलिंग टाइम जो लग रहा है वो हमको 35 सेकंड का ही इसके अंदर लगेगा, राइट, ठीक है। और एनालिसिस देखते हैं भाई, इसके अंदर मैंने कुछ और बता रहा था आपको, जैसे इसके एग्जांपल के लिए तीन चीजें और देखी थी हम लोगों ने, जिसके अंदर रहेगा नॉमिनल वॉल थिकनेस, तो ये रहा नॉमिनल वॉल थिकनेस, ठीक है। देखो तो वॉल थिकनेस पूरी तरह से कंपोनेंट ग्रीन है, कहीं कहीं पर आपको रेड वाला पोर्शन नजर आ रहा है, राइट, बाकी सभी जगह वो रेडियस के कारण है, बाकी सभी जगह वॉल थिकनेस बिल्कुल सही है। अगर इसके अंदर ड्राफ्ट एंगल देखेंगे तो देखो ड्राफ्ट एंगल भी बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर प्रिडिक्ट किया जा रहा है, राइट, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग उसके अंदर भी देख सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। और इसी तरह से अंडरकट जो आपको दिख रहा है इसके अंदर, कि अंडरकट कोई मिल सकता है कि नहीं, तो डिपेंडिंग अपॉन द ड्रॉ डायरेक्शन, ड्रॉ डायरेक्शन के ऊपर इसके अंदर कोई भी अंडरकट हमारा नहीं बनेगा, इस तरह से हम लोग पार्टिंग लाइन का इसके अंदर सिलेक्शन करेंगे, राइट, ठीक है। तो ये हमारा कंपोनेंट का एनालिसिस है। अब इसमें देखते हैं यहाँ पर कुछ और एनालिसिस किए हैं जिसके अंदर वॉरपेज, तो इसके अंदर वॉरपेज होगा तो भाई वो कितना वॉरपेज होगा, मतलब बोल सकते हो कि डायमेंशन में कितनी कमी आएगी, उस चीज को प्रिडिक्ट करना जरूरी है। देखो
लेंथ और विड्थ के हिसाब से वो कम ज्यादा हो सकता है। अब देखो जहां पर अगर मैं इसको क्लोज करूं और इसको एक बार चला के देखते, देखो जरा सी तो कितना हो रहा है। बेसिकली यहां पर इसका जो श्रिंकेज हो रहा है वो बहुत ज्यादा कम हो रहा है। यहां पर सेकंड वाले में देखते हैं, यहां पर देखो जरा सी, ठीक है सी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं वापस देखूं इसका सी, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 0.9 mm, मतलब 0.9 mm का इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसके फैन पे हो रहा है, यहां पर हो रहा है, राइट, ठीक है। बाकी उसके अलावा कहीं पर भी श्रिंकेज वगैरह ज्यादा नहीं हो रहा, ज्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके अंदर वॉर्पेज डिफेक्ट को भी हम लोग एनालिसिस करके शो कर सकते हैं डीएफएम रिपोर्ट के अंदर। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच।